कि जिस तरीके से वापसी की न्यूजीलैंड की टीम ने 1-0 से वो इस टेस्ट में आ गए। आखिर क्या हुआ, भारत ने कहां गलती कर दी? जब पहले दिन बारिश होती है उसके बाद रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले फील्डिंग का फैसला करेंगे। भारतीय टीम 46 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। किसी ने नहीं सोचा था जिस तरीके से भारतीय टीम खेली है, WTC के लिए भी ये बड़ा खतरा बना हुआ है। 46 रनों के जवाब में न्यूजीलैंड जब खेलने के लिए आती है तो 402 रन का स्कोर खड़ा करती है। फिर भारत दूसरी पारी में खेलने के लिए आता है तो स्कोर जरूर बनाता है, लेकिन ये स्कोर काफी नहीं था न्यूजीलैंड की लीड के लिए। 462 का स्कोर करता है भारत, 110 रन दूसरी पारी में जैसे ही न्यूजीलैंड बनाता है, पहले टेस्ट को जीत लेता है। कितनी बड़ी गलती कर दी रोहित शर्मा ने, कुलदीप यादव को वो लेके आते हैं। भारत 3 स्पिनर और 2 तेज गेंदबाज के साथ पहले टेस्ट में उतरता है, तो न्यूजीलैंड के 3 तेज गेंदबाज वो खिलाते हैं और पहली ही पारी में 46 रनों पर भारतीय टीम धराशायी हो जाती है। सरफराज खान को मौका मिलता है, क्यों मिलता है? ये मौका इसीलिए मिल रहा है कि सुमन गिल के गले में थोड़ी सी दिक्कत थी, तब कोच कहते हैं सरफराज खान को कि आप आइए और खेलिए। तीसरे क्रम पर विराट कोहली को भेजा जाता है जो पहली पारी में 0 पर आउट हो जाते हैं। दूसरी पारी में जब विराट आते हैं तो 70 रन बनाते हैं, सरफराज खान 150 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन क्या दूसरे टेस्ट में सरफराज को चुना जाएगा या फिर KL राहुल का फॉर्म भी भारत के लिए चिंता का सबक बना हुआ है। जितने टेस्ट खेले हैं KL राहुल ने, अभी तक वो प्रतिभा दिखी नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सेना के देशों में उन्होंने जरूर बेहतर क्रिकेट खेले हैं, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, लेकिन भारतीय टीम का जो WTC का सपना है, क्या पूरा कर पाएंगे KL राहुल या फिर उस सपने में रोड़ा बन रहे हैं? गौतम गंभीर सबसे खास माने जाते हैं KL राहुल के, लेकिन क्या सुमन गिल जब दूसरे टेस्ट में वापसी करेंगे तो फिर सरफराज खान को बलि का बकरा बना दिया जा सकता है? कुलदीप यादव को टीम से बाहर किया जाएगा? फिर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को लिया गया है जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में शतक लगाया है। 4 साल पहले वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाके भारत ने 2-1 से वो सीरीज जीती थी, जहां पर जो स्मिथ बुमराह जैसे बड़े बड़े नाम नहीं थे, वाशिंगटन सुंदर को टीम में लिया गया है। लेकिन क्या वाशिंगटन को खिलाती है भारतीय टीम? एक ऑलराउंडर के तौर पर एक अच्छा पैकेज दे जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वाशिंगटन सुंदर का चुनाव जरूर हुआ है। 2 टेस्ट मैचेस के लिए वाशिंगटन का चयन हुआ है, लेकिन भारतीय टीम के लिए चिंता का ये सबक बना हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि न्यूजीलैंड अब दूसरे टेस्ट में इतने आराम से खेलेगी। भारत को जिस तरीके से क्रिकेट की जो उम्मीद की थी, वो भारत क्रिकेट अभी तक नहीं खेल पाया है। यह गौतम गंभीर के लिए भी एक बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है KL राहुल के फॉर्म। ऋषभ पंत ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली, इंजरी के बाद वो आते हैं, एक बड़ी दुर्घटना उनके साथ घटती है, 99 पर वो आउट होते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पार्टनरशिप हुई सरफराज खान और ऋषभ पंत में, वो एक मजबूत पार्टनरशिप हुई। ऋषभ पंत वहाँ पर अगर रुक जाते तो फिर कुछ स्कोर और लग सकते थे, 150-160 का स्कोर अगर हो जाता तो न्यूजीलैंड के सामने क्या भारत उन्हें रोक पाता? लेकिन पहला टेस्ट भारत हार चुका है, इसे भारत को बचाना काफ़ी मुश्किल है। ये भारतीय टीम को बचा पाना मुश्किल है कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है, अब दूसरे टेस्ट में क्या वापसी कर पाएगी भारतीय टीम? 5 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया से हैं, लेकिन यहाँ पर जो 11 उनका 11 खेलेगा उसमें KL राहुल और कुलदीप यादव, जो मुझे लगता है कि दोनों को बाहर किया जा सकता है, फिर सुमन गिल को KL राहुल पर जरूर मौका मिलेगा। सरफराज खान मुझे नहीं लगता कि टीम से वो निकाले जाएंगे। हाँ, वाशिंगटन सुंदर को अंदर लिया गया है, 2 टेस्ट मैचेस होंगे उनमें उनका चयन है, लेकिन यहाँ पे कुलदीप यादव को मैं देख रहा हूँ कि वो टीम से बाहर रखे जा सकते हैं। सिराज पर भी प्रश्न चिन्ह है, सिराज को भी बाहर किया जा सकता है। जब एक समय जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जो जोड़ी है वो एक पैकेज के रूप में जिस तरीके से गेंदबाजी करते थे, मोहम्मद शमी जो कि एक सीम बॉलर हैं, विकेट टू विकेट ये गेंदें करते थे, लेकिन इस समय शमी के ना होने पर सिराज को अगर मौका मिलता है दूसरे टेस्ट में तो ज़रूर उनको वापसी करनी होगी। लेकिन डगर आसान नहीं है न्यूजीलैंड के सामने। जब भी न्यूजीलैंड आता है उसने भारत को परेशान किया है। लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि भारत जब श्रृंखला का पहला टेस्ट हार जाता है तो लगातार वो टेस्ट जीतता है और हम उस सीरीज को जीत जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मायने नहीं रखता। आप उस दिन कैसा खेलते हैं वो प्रदर्शन आपको
आगे की ओर लेके जाता है, जहां पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी होगी। तीसरे नंबर पे अगर शुभमन गिल आते हैं तो वहां पे शुभमन गिल होंगे। सरफराज खान का जो स्थान है उसे बतला नहीं जाएगा, लेकिन चिंता की लकीरें हैं टीम मैनेजमेंट के लिए कि किसको खिलाया जाए और किसको बाहर का रास्ता, क्योंकि भारतीय टीम अभी तक ये पचा नहीं पाई है कि दो WTC के फाइनल में उसको करारी हार झेलनी पड़ी थी। तो दूसरे टेस्ट को जीतकर भारत चाहेगा कि एक एक की बराबरी पर आए, ये बड़ा सवाल रोहित शर्मा एंड कंपनी के लिए जरूर बना हुआ है। खेलों की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े, बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।